हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में पार्टी वियर लॉन्ग गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। मैंने 4 मीटर का मेन फैब्रिक लिया है, 3 मीटर का सिल्क इनर फैब्रिक लिया है और 1/2 मीटर का मैंने नेट फैब्रिक लिया है। इसमें से गाउन के टॉप पार्ट का फ्रंट वाला पार्ट बनाएंगे। मेन फैब्रिक पर गाउन के टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक को ओपन कर लेंगे और इसको 2 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। पहले गाउन के टॉप पार्ट के बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये ओपन साइड है और मेरी साइड फोल्डेड साइड है। टॉप पार्ट की रेडी लेंथ 14 इंच है। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन के लिए, वो दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा। तो दोनों साइड से इसकी लेंथ 15 इंच ले ली है। अब शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे। फोल्डेड साइड से शोल्डर 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और आर्म होल भी सेम 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से भी 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये इस मार्किंग को 2 से 3 इंच आगे की तरफ बढ़ा देंगे। कॉर्नर पर 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और बैक आर्म होल के लिए राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। बैक आर्म होल की मार्किंग कर ली है। फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की साइड 1/2 इंच की मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल दोनों की मार्किंग कर ली है। अब यहीं से फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जैसे फिटिंग है 36 इंच, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। 9 इंच पर फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। अब कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जैसे कमर की फिटिंग है 32 इंच, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा। फोल्डेड साइड से 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मार्जिन की मार्किंग करेंगे। इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग कर लेंगे। दूसरी साइड भी 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नेक की मार्किंग करेंगे। नेक विड्थ फोल्डेड साइड से नेक विड्थ 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर 1/2 इंच डाउन मार्किंग करेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे मार्किंग कर रखे एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। अब गाउन के टॉप पार्ट के फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। नेट फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये फोल्डेड साइड है और इसके दूसरी साइड ओपन साइड है। अब इसके ऊपर गाउन के टॉप पार्ट का बैक वाला पार्ट रखेंगे। फोल्डेड साइड फोल्डेड वाला पार्ट रखेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले आप इसको चारों तरफ से पिनअप कर लें, उसके बाद इसकी मार्किंग कर लें। बैक पार्ट को चारों तरफ से सेट कर लिया है। अब जैसे बैक पार्ट की शेप है सेम एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेंगे। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब इसके आर्म होल की कटिंग कर देंगे। अंदर की तरफ 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसको ओपन करेंगे तो गाउन के टॉप पार्ट के फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है और मेन फैब्रिक पर इसके बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इनर की कटिंग करेंगे। इनर फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये फोल्डेड साइड है और इसके दूसरी साइड ओपन साइड है और 4 लेयर में है। अब इसके ऊपर गाउन का टॉप पार्ट का बैक पार्ट सेट कर लेंगे। फोल्डेड साइड फोल्डेड वाला पार्ट रखेंगे। चारों तरफ से सेट कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक के बराबर मार्किंग करेंगे। अब टॉप पार्ट को हटा देंगे। अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसको ओपन करेंगे, इसमें से बैक वाले पार्ट को निकाल देंगे। फ्रंट वाले पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। अब इसके आर्म होल की मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच अंदर की साइड मार्किंग कर लेंगे। अब जैसे मार्किंग कर रखे एज इट इज़ इसकी कटिंग कर दी है। इनर फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो इसमें से इनर फैब्रिक के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की एक साथ कटिंग कर ली है। गाउन के टॉप पार्ट के चारों पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब गाउन के बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। बचे हुए फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये ओपन साइड है और इसका दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। अब इसमें से ये वाला पार्ट उठाएंगे और फैब्रिक को ट्रायंगल की शेप में 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को चारों तरफ से सेट कर लेंगे। अब गाउन के बॉटम पार्ट के ऊपर टॉप पार्ट सेट कर लेंगे। टॉप पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लिया है। फोल्डेड साइड वाले पार्ट की साइड रखेंगे। टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के दोनों कॉर्नर पर सेट कर लेंगे और दोनों साइड मार्किंग कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब टॉप पार्ट को हटा देंगे। अब इंची टेप की हेल्प से राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। कॉर्नर पर टेप रखेंगे और मार्किंग तक इसकी लेंथ 12 इंच है।
अब कॉर्नर पर टेप को फिक्स रखेंगे और 12 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब सारे पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गाउन के बॉटम पार्ट की कमर की मार्किंग कर ली है, अब गाउन के बॉटम पार्ट की लेंथ की मार्किंग करेंगे। जैसे गाउन की रेडी लेंथ 54 इंच है, 14 इंच टॉप पार्ट का माइनस करेंगे तो 40 इंच आएगा, प्लस 1 इंच करेंगे मार्जिन के लिए, वह दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा। तो गाउन के बॉटम पार्ट की लेंथ 41 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और नीचे तक 41 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग पर टेप रखते जाएंगे और 41 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। इस तरीके से मार्किंग करने से गाउन की लेंथ चारों तरफ से बराबर रहेगी, कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं होगी। इसी तरीके से सारी मार्किंग कर लेंगे। गाउन के बॉटम पार्ट की लेंथ की मार्किंग कर ली है, अब सारे पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गाउन के बॉटम पार्ट की लेंथ की लाइन ड्रॉ कर ली है, अब दोनों मार्किंग से इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले कमर की मार्किंग से इसकी कटिंग करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे, उसके बाद बॉटम मार्किंग से इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे और गाउन के बॉटम पार्ट में ज्वाइंट लगेगा, बचे हुए फैब्रिक में से ज्वाइंट को कट कर लिया है। अब इसको ओपन करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था तो गाउन के बॉटम पार्ट के दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग कर ली है। अब इनर फैब्रिक की कटिंग करेंगे। इनर फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है, दूसरी साइड फोल्डेड साइड है और इस साइड ओपन साइड है। अब इसमें से ये वाला कॉर्नर उठाएंगे और फैब्रिक को ट्रायंगल की शेप में 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को चारों तरफ से सेट कर लेंगे। इनर के बॉटम पार्ट के ऊपर टॉप पार्ट को सेट कर लेंगे। टॉप पार्ट के दोनों साइड मार्किंग कर लेंगे। अब टॉप पार्ट को हटा देंगे। अब इंच टेप की हेल्प से राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। कॉर्नर पर टेप रखेंगे और मार्किंग तक इसकी लेंथ 13 इंच है। कॉर्नर पर टेप को फिक्स रखेंगे और 13 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। अब सारे पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इनर फैब्रिक पर कमर की मार्किंग कर ली है, अब इनर फैब्रिक की लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक पर बॉटम पार्ट की लेंथ 41 इंच पर मार्किंग करी थी तो इनर फैब्रिक पर 39 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक से 2 इंच कम इनर फैब्रिक की लेंथ रखेंगे। इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और 39 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। कमर की मार्किंग पर टेप रखते जाएंगे और 39 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। इस तरीके से मार्किंग करने से इनर की लेंथ चारों तरफ से बराबर रहेगी, कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं होगी। इनर फैब्रिक के दोनों साइड मार्किंग कर ली है। अब दोनों मार्किंग से एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। पहले कमर की मार्किंग से इसकी कटिंग करेंगे। दोनों साइड से इनर फैब्रिक की कटिंग कर ली है। इनर फैब्रिक के बॉटम साइड में जॉइंट को भी कट कर लिया है। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था तो इनर फैब्रिक के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की एक साथ कटिंग कर ली है। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है, ये ओपन साइड है और इसकी दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। स्लीव्स की विड्थ 10 इंच ले ली है और स्लीव्स की रेडी लेंथ 15 इंच है। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, वह दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा। दूसरी साइड से भी इसकी लेंथ 16 इंच है, 1 इंच एक्स्ट्रा है मार्जिन के लिए। आर्मोल के लिए 3 इंच डाउन मार्किंग कर लेंगे। फोल्डेड साइड से स्लीव्स के आर्मोल की शेप देते हुए मार्किंग कर लेंगे। पहले रफली मार्किंग करेंगे, उसके बाद मार्किंग को डार्क कर लेंगे। स्लीव्स की बॉटम साइड से विड्थ 5.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव्स की मार्किंग कर ली है, अब जैसे मार्किंग कर रखे एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। स्लीव्स की कटिंग कर ली है, फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था तो दोनों स्लीव्स की एक साथ कटिंग कर ली है और स्लीव्स के सेंटर में कट लगा दिया है। अब स्लीव्स की फ्रंट साइड से 1/2 इंच की कटिंग कर देंगे। अब इनर फैब्रिक पर नेक की कटिंग कर लेंगे। पहले फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। नेक विड्थ 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट नेक की लेंथ 5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। पहले एक बॉक्स बना लेंगे। अब नेक की शेप दे देंगे। पहले नेक की रफली शेप देंगे, उसके बाद शेप को डार्क कर लेंगे। नेक की आप कोई भी शेप दे सकते हो। अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे।
मेन फैब्रिक को भी सेंटर से फोल्ड कर लिया है। इसके ऊपर इनर फैब्रिक को सेट कर लिया है। फोल्डेड साइड फोल्डेड वाले पार्ट को सेट किया है और ओपन साइड ओपन वाले पार्ट की साइड सेट कर लिया है। मेन फैब्रिक पर और इनर फैब्रिक पर दोनों पर एक साथ कटिंग कर लेंगे। अब नेक की कटिंग कर देंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इसको ओपन कर लेंगे। मेन फैब्रिक पर फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है और सेम तरीके से इनर फैब्रिक पर भी साथ में कटिंग कर ली है। मेन फैब्रिक को राइट साइड से रख लिया और इनर फैब्रिक को इसके ऊपर उल्टी साइड से रख लिया है और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। फ्रंट नेक के ऊपर सिलाई लगा दिया। अब सिलाई को बचाकर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे जिससे नेक ईजिली फोल्ड हो जाएगा फिनिशिंग के साथ। अब इनर फैब्रिक को उल्टी साइड फोल्ड कर देंगे। अब नेक के ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर इनर अटैच कर लेंगे। नेक के ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है और इसके ऊपर इनर अटैच कर लिया है। गाउन के टॉप पार्ट के फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिया है। अब बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। बैक वाले पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लिया है। बैक नेक की विड्थ भी सेम 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। बैक नेक की लेंथ 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से भी 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। दोनों पॉइंटों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और पहले एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। एक बॉक्स को क्रिएट कर लिया है। अब बैक नेक की शेप दे देंगे। बैक नेक की राउंड शेप में मार्किंग करेंगे। पहले रफली मार्किंग करेंगे, उसके बाद मार्किंग को डार्क कर लेंगे। बैक नेक की मार्किंग कर ली है और इनर फैब्रिक को भी सेंटर से फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे, चारों तरफ से सेट कर लेंगे। अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इसको ओपन कर लेंगे। मेन फैब्रिक पर और इनर फैब्रिक दोनों पर नेक की कटिंग कर ली है। मेन फैब्रिक को राइट साइड से रख लिया है और इनर फैब्रिक को इसके ऊपर उल्टी साइड से सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर बैक नेक पर डोरी अटैच कर लेंगे। मैंने डोरी को रेडी कर लिया है। ऊपर की साइड से डोरी के लिए 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। सेम दूसरी साइड भी 2 इंच पर डोरी के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब जहाँ पर मार्किंग कर रखी है वहाँ पर डोरी रखेंगे, उसके बाद इनर को रख देंगे। उसके बाद इनर को इसके ऊपर सेट कर लेंगे। अब हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। बैक नेक के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे सिलाई को बचाकर, जिससे नेक ईजिली फोल्ड हो जाएगा फिनिशिंग के साथ। अब इनर फैब्रिक को उल्टी साइड फोल्ड कर लेंगे। चारों तरफ से नेक को फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर लेंगे। अब नेक के ऊपर एक फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे और साइड में भी सिलाई लगा देंगे और इनर अटैच कर लेंगे। बैक नेक पर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा दिया और इसके साइडों में भी सिलाई लगाकर इनर को अटैच कर लिया है और डोरी भी अटैच कर ली है बैक नेक पर। बैक पार्ट को राइट साइड से रख लिया, फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर उल्टी साइड से रख दिया है। शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा देंगे। गाउन के टॉप पार्ट के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को अटैच कर लिया है। गाउन के टॉप पार्ट को फैलाकर रख लिया है। अब इसके ऊपर स्लीव्स अटैच कर लेंगे। स्लीव्स को इसके ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे और स्लीव्स को टर्न करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी इसी तरीके से अटैच करके सिलाई लगा देंगे। गाउन के टॉप पार्ट के ऊपर दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब स्लीव्स को बॉटम साइड से फोल्ड कर लेंगे। पहले हाफ इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक हाफ इंच और फोल्ड कर लेंगे। चारों तरफ से इसी तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। स्लीव्स को बॉटम साइड से फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा दी है। अब गाउन के बॉटम पार्ट को रेडी कर लेंगे। गाउन के बॉटम पार्ट को उल्टी साइड से रखेंगे। इनर फैब्रिक को इसके ऊपर रख लेंगे और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से इसके दूसरे पार्ट पर भी इनर अटैच करके सिलाई लगा देंगे। गाउन के बॉटम पार्ट के दोनों पार्ट पर इनर अटैच कर लिया है। अब गाउन के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लेंगे। टॉप पार्ट को राइट साइड से रख लिया है। बॉटम पार्ट को इसके ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे, यानी दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड फेस करते हुए रखेंगे। सेंटर को सेंटर से मिला लेंगे और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से बैक पार्ट के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करके सिलाई लगा देंगे। गाउन के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। सेम तरीके से इसके बैक पार्ट के टॉप और बॉटम को भी अटैच कर लिया है। अब गाउन को उल्टी साइड से फोल्ड कर लेंगे। गाउन को उल्टी साइड से फोल्ड कर लिया है और इसके दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग कर रखी है। अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज दोनों साइड सिलाई लगा देंगे। गाउन के दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब गाउन को बॉटम साइड से फोल्ड कर लेंगे।
पहले हाफ इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक हाफ इंच और फोल्ड कर लेंगे। चारों तरफ से इसी तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से इसके इनर फैब्रिक को भी बॉटम साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। गाउन को बॉटम साइड से फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ चारों तरफ सिलाई लगा ली है और मैंने डोरी के ऊपर लटकन अटैच कर लिए हैं। फाइनली लॉन्ग गाउन बनके रेडी हो गया है बिल्कुल आसान तरीके से। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ के लॉन्ग गाउन की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मैं अपने चैनल पर इसी तरीके की गाउन, लहंगा, कुर्तीज की वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ डे बाई डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साइड में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।